अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर डूइंग डे 75 एंड आवर हैश इज 83। आज का जो हमारा डे है वो 75 है और हमारा हैश जो है वो 83 हैश में आज हम करेंगे डू एंड एक्सप्लेन एक्सरसाइज ई बुक वर्क। ठीक है, 83 हैश में आपके पास आ रहा है एक्सरसाइज ई। यहाँ पर आपके पास पेज नंबर मैंशन नहीं है तो आपके पास एक्सरसाइज ई आपको बुक में करनी है जो कि पेज नंबर 67 पे है। ठीक है, ओपन योर बुक पेज नंबर 67। दिस इज़ पेज नंबर 67 जहाँ पर आपने ये एलिफेंट वाला काम किया था ना, जो कि एक्सरसाइज एफ थी, इसी के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज ई आ रही है जो कि आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। आपके पास ये बॉक्स के अंदर जो है वर्ड्स बने हुए, उसको देखते हुए आप इस पिक्चर को लेते हुए आप इस सेंटेंस के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, देयर आर टू डैश इन द जू। जू के अंदर क्या है, दो एलिफेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप एलिफेंट्स लिखेंगे। ठीक है, डैश इज लुकिंग एट द एलिफेंट। ये जो गर्ल है इसका नाम क्या है, फिज़ा। यहाँ पर आप बस बॉक्स में लिखा हुआ है फिज़ा। फिज़ा इज लुकिंग एट द एलिफेंट्स। दे आर इन द वाटर। कौन वाटर के अंदर है, एलिफेंट्स वाटर के अंदर है। ठीक है, दे आर हैविंग अ बाथ। वो लोग दोनों क्या कर रहे, बात कर रहे हैं ना। दे आर हैविंग अ बाथ बिकॉज दे आर हॉट। वो लोग बात कर रहे बिकॉज यहाँ देखा सन भी है, उनको बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वो क्या है, वो नहा रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, वर्ड्स आपको ऊपर से लेते हुए करने हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने और इस पिक्चर को देखते हुए करना है। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज ई के बाद आपके पास लिखा हुआ होगा कॉम्प्रिहेंशन ऑन एनी फ्रूट। हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहे, कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बहुत बार करवाई है और आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है और हमने किस तरह से की, मैंने आपको क्लास में भी करवाई है। ठीक है, तो हम कॉम्प्रिहेंशन को जो है स्किप कर लेते हैं, उसकी जगह पे आपको कंपोजिशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन ऑन एनी फ्रूट, तो आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे, आप करेंगे कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑन एनी फ्रूट, ये काम आपको कॉपी में करना है। कंपोजिशन वाला काम आप कॉपी में करेंगे और एक्सरसाइज ई जो है आपकी बुक में ही होगी। कंपोजिशन आप कोई भी फ्रूट ले लें, उसके बारे में आप 5 से 6 सेंटेंस आप लिखना चाहें वो लिख लीजिए। ठीक है, जो आपको फ्रूट पसंद है आप वो लिखेंगे। ठीक है, उसका कलर बता देंगे और जो है वो कौन से सीज़न में आता है वो बता देंगे। ठीक है, आपको कौन सा फेवरेट आपका फ्रूट है वो आप बता दें। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी है, आप जो है कंपोजिशन कोई भी फ्रूट पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया सबको, बस यही काम करना है आपको, ये काम आपको कॉपी में करना है फ्रूट वाला, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कंपोजिशन। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं फ्रूट के ऊपर। सही, इसके बाद हम अपने होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। होमवर्क में भी आपके पास आ रहा है डू प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की जगह आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे, कंपोजिशन की करेंगे। सही, कॉम्प्रिहेंशन मैंने जो है स्किप करवा दिया है, आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे, कंपोजिशन करेंगे फ्रूट के ऊपर और आपको सी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ की प्रैक्टिस करनी, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने के लिए कही थी घर से और आपसे कहा था कि आप पास्ट टेंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट हैश आएगा ना, उसमें मैं आपका इसका टेस्ट लेने वाली हूँ, तो इसलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक है, मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजिएस्ट हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। सही, फर्स्ट फॉर्म मैं आपको लिख के दूंगी, सेकेंड और थर्ड आपको खुद लिखनी होगी। सही है, ये भी आप प्रैक्टिस में, जिस तरह से आप कंपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी तरह आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। राइट, और साथ साथ आपको पास्ट टेंस की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रेजेंट टेंस तो आपको पता है ना, इसी तरह पास्ट टेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये जो सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ की जाती है। सही, आई होप आपको होमवर्क जो है समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन आप करेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी है, उसके अलावा जो है आपके पास जो आएगी वो है पास्ट टेंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको क्या करना है, ये आप कॉपी वर्क में करेंगे कंपोजिशन। सही, होप्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।